हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सहनी के ब्लॉग चैनल में। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ही किसी भी ज़िले में नीलामी का नोटिस जारी किया जाता है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने ज़िले की नीलामी कब होती है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ही किसी भी ज़िले में नीलामी का नोटिस जैसे ही जारी किया जाता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस ज़िले में नीलामी शुरू है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में नीलामी प्रक्रिया शुरू है और इसका स्टार्टिंग डेट कब से है और इसका लास्ट डेट कब तक रखा गया है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों, जो भी व्यक्ति नीलामी का वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत से भाइयों ने मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर, नीलामी में कितने कितने वाहन की प्राइस होती है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप नीलामी का कोई भी वाहन खरीदिएगा तो आपको बहुत ही सस्ते रेट में गाड़ी मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीलामी में 5000 से स्टार्टिंग होती है और 5 से लेकर 20000 तक आप अच्छे अच्छे खासे कंडीशन का वाहन आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 20 से लेकर 40000 तक आप कार, टेम्पो, पिकअप, ये सभी प्रकार के वाहन आप बहुत ही सस्ते रेट में आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी बाइक आप देख रहे हैं, इन सभी बाइकों का दाम 10 से 12000 रुपया तक रखा गया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है दोस्तों। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं इतने सस्ते सस्ते बाइक देखने को आपको मिल जाती है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, आप भी खरीदना चाहते हैं तो आपको 10-15000, इसमें कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 10 से 15000 रुपये हैं तो भी आप नीलामी का वाहन, आप जो भी बाइक खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होता है, वहाँ पर जा कर के आपको बोली लगाना होगा और जो भी बाइक आप लेना चाहते हैं उस बाइक को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी बाइक आप लेना चाहते हैं उस बाइक का गाड़ी नंबर, मॉडल नंबर आपको नोट कर लेना होगा और नोट करके इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आप जा कर के सारा डिटेल फिल कर दीजिएगा, इसके बाद आप नीलामी में भाग ले सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दूँ दोस्तों कि नीलामी में भाग लेने से पहले आपको 10% का पैसा आपको अग्रधन के रूप में पहले जमा करना होगा, इसके बाद ही आप नीलामी में भाग ले सकते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए 20000 का गाड़ी है तो आपको 10% का पैसा पहले जमा करना होगा, इसके बाद ही आप नीलामी में भाग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू है वो कब से, इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका लास्ट डेट। तो चलिए दोस्तों, अभी मुजफ्फरपुर ज़िले में नीलामी प्रक्रिया शुरू है जिसका स्टार्टिंग डेट 17/1/2022 से शुरू है और इसका लास्ट डेट 25/1/2022 तक रखा गया है। जो भी व्यक्ति